कुछ माँ को लगता है कि उनका बच्चा समय से अगर पहले पैदा हो गया है, प्रीटर्म डिलीवरी है, तो उन्हें लगता है कि उनका दूध सफिशियंट अमाउंट में नहीं बनेगा, बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सारिका कुमारी है, एमडी पीडियाट्रिक। मैं आज ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं मिथ्स बता देती हूँ। कुछ माँ को लगता है कि उनका बच्चा समय से अगर पहले पैदा हो गया है, प्रीटर्म डिलीवरी है, तो उन्हें लगता है कि उनका दूध सफिशियंट अमाउंट में नहीं बनेगा, बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं होगा। या फिर अगर माँ को बच्चे को दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, तो उन्हें लगता है कि दूध नहीं पिलाना चाहिए, ऊपर की चीज दे देनी चाहिए। या फिर गर्मियां बहुत ज्यादा है, तो उनको लगता है कि दूध के अलावा हमें पानी ऊपर से देना चाहिए। या फिर माँ को ये भी लगता है कि डब्बे के दूध से ज्यादा वजन बढ़ता है। तो ये सारे मिथ्स हैं और ये सारी चीजें गलत हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि माँ का जो दूध बनने की प्रक्रिया है वो 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद से ही शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिससे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है और लैक्टेशन शुरू हो जाता है। तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग जो है जल्दी से जल्दी शुरू करनी होती है। अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है तो विदिन 1 आवर हमको ब्रेस्ट फीडिंग करा देना चाहिए। अगर सिजेरियन सेक्शन है तो जैसे ही माँ स्टेबल हो जाए तो हम उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। अगर कोई प्रीटर्म डिलीवरी होती है तब भी हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है। माँ को ये लगता है कि इनिशियल 3-4 दिन दूध सफिशियंट अमाउंट में नहीं आ रहा है, 3-4 ml ही आ रहा है, तो उसके उनको लगता है कि इससे बच्चे का पेट नहीं भरेगा। लेकिन ये मिथ है। इनिशियल डेज में बच्चे का जो पेट है उसका साइज काफी छोटा होता है, तो 3-4 ml भी बच्चे के लिए सफिशियंट होता है। इनिशियल जो मिल्क मिलता है, निकलता है वहां से, उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि गाढ़ा पीला दूध होता है। उसे हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि उसमें ऐसी चीजें पाई जाती हैं जैसे कि लैक्टोग्लोबुलिन, लैक्टोएल्बुमिन, और उसमें सफिशियंट अमाउंट में गैलेक्टोज, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज होते हैं, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, उसकी इंटेस्टाइन को मैच्योर करती हैं। इससे ये होता है कि बच्चे को आगे जाके इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये सारी अस्थमा, ये इन्फेक्शन से लड़ने में और इन सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में भी ब्रेस्ट मिल्क हेल्प करता है। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मदर के लिए भी और बच्चे के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। सबसे पहले तो बच्चे के लिए, जैसे ही मैंने बताया, तो इम्यूनिटी डेवलप होती है, बच्चे का वजन अच्छा बढ़ता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। दूसरा, मदर के लिए ये फायदेमंद होता है कि माँ के साथ बच्चे का इमोशनल बॉन्ड बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा माँ अपने बच्चे को आंचल से लगाएगी, उतना ज्यादा दूध का प्रोडक्शन होगा, उतना ही ज्यादा उसको बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। माँ अपना ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकती है, उसके लिए माँ को एडिक्वेट अमाउंट में पानी पीना है, जैसे कि 3-4 लीटर दिन में पानी पीना है। दूध पिलाने से पहले कम से कम 1 ग्लास वो पानी पिए, अपना बैलेंस डाइट ले, हर तरीके के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स वो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती है। अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स, मीट, ये सब खा सकती है। थोड़ा सा जो सी फूड होता है उसको अवॉइड करना होता है, उसमें ऐसे कुछ मर्करी जैसी चीजें रहती हैं जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। इसके अलावा माँ ब्रेस्ट फीड बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा खुश रहेगी, जितना ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहेगी, उतना ज्यादा दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरी बात ये कि बच्चे को आंचल से लगाना है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करने से, और बच्चा जब निप्पल पे सक करता है तो उससे हमारे शरीर में प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और जितना ज्यादा बच्चा सक करेगा दिन में, उतना ही ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। तो ये एक डिमांड सप्लाई वाली बात होती है। अगर बच्चा माँ से दूर रहेगा, माँ उसको अपने आंचल से नहीं लगाएगी, तो धीरे धीरे मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कम होने लगेगा। अक्सर देखा जाता है कि माँ को लगता है कि इनिशियल डेज में कम फीड आ रहा है, तो वो लैक्टोजन या जो डिब्बे का मिल्क है वो शुरू कर देती हैं। इससे ये होता है कि वो अपने बच्चे को आंचल से नहीं लगाती हैं और धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड और आना कम हो जाता है। तो हमें ये करना है, तो सबसे पहले हमें ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को,
अगर बच्चा वजन बढ़ रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है और उसका पेशाब 6 से 8 बार दिन में हो रहा है, तो ये बच्चे के लिए सफिशिएंट है, तो हमें अलग से कुछ और देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा माँ अपना दूध बढ़ाने के लिए कुछ गैलेट ग्रैन्यूल्स और लैक्टोजन ग्रैन्यूल्स नाम से दवाइयाँ आती हैं, ये ले सकती हैं अपने मिल्क में और बैलेंस डाइट के साथ अपना फीट और बढ़ा सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैस्टाइटिस और सोर निपल की। मैस्टाइटिस जिसमें माँ के ब्रेस्ट में भारीपन आना, सूजन आना, रेड हो जाना, तो इसके लिए माँ को करना है दवाइयाँ लेनी है। पहले तो डॉक्टर को दिखाना है, अगर उसमें कोई पस वगैरह नहीं है तो, या जैसे डॉक्टर बताते हैं, तो एंटीबायोटिक का सेवन करना है। इसके अलावा माँ वार्म कंप्रेसेस कर सकती है और मिल्क निकाल के बच्चे को फीड करा सकती है, पर ब्रेस्ट फीडिंग हमें स्टॉप नहीं करनी है। सोर निपल्स के लिए हमें जो फीड कराने से पहले जो मिल्क निकलता है उसको हमें निप्पल पे लगाना है, और फीड कराने के बाद जो मिल्क निकलता है वो भी हम निप्पल पे लगा सकते हैं, और थोड़ा ड्राई रखना है तो उससे सोर निप्पल्स की प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमको 6 मंथ्स तक करानी है। वैसे तो WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से 2 साल तक हमको फीड कराना है, पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक करानी होती है। 6 महीने के बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स ऐड करते हैं, और 1 साल के बाद बच्चे को धीरे धीरे ब्रेस्ट फीड से वीन कर सकते हैं, पर 2 साल तक हमें ब्रेस्ट फीड कराना ही है बच्चे को। बॉटल फीड हमको अवॉइड करना होता है, इससे निप्पल कंफ्यूजन होता है, बच्चे को लगता है, बच्चे को बॉटल के निप्पल से सक करने की आदत पड़ जाती है, जिससे जब वो ब्रेस्ट फीड कराया जाता है तो वो माँ के निप्पल पर उतना सक नहीं करता है अच्छे से, क्योंकि बॉटल में विद ग्रेविटी मिल्क बच्चे को जाता है तो उसमें बच्चा थोड़ा एफर्ट्स कम लेता है, और जब माँ के आंचल से लगाया जाएगा तो बच्चा फिर इरिटेट होगा क्योंकि उसमें उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें बॉटल फीड अवॉइड करना है। हम बच्चे को अगर बाहर का ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ और दे रहे हैं तो हम पैलेडी कटोरी चम्मच ये यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपने नजदीकी बच्चों वाले डॉक्टर से संपर्क करें और परामर्श लें। धन्यवाद।